नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट अकेडमी की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे करंट अफेयर्स 28 अप्रैल 2018 का डे बाई डे करंट अफेयर्स सेशन, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पाक कला संस्थान का पहला भारतीय पाक कला संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। पाक कला में पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री केजे अल्फांसो ने 27 अप्रैल 2018 को संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा की उपस्थिति में नोएडा परिसर का जो है वो भारतीय पाक कला संग्रहालय का उद्घाटन किया। नीति आयोग की नई पहल अटल न्यू इंडिया चैलेंज को कब लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया 26 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया है। और नीति आयोग ने अटल नवोन्मेषण मिशन ने 26 अप्रैल 2018 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज की घोषणा की। सर्वोच्च न्यायालय की 5वीं महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जी हां, तो इंदु मल्होत्रा ने ली है अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 5वीं महिला न्यायाधीश के रूप में। और वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा को 27 अप्रैल 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ऐसी पहली महिला जो वकील से जज बनी है सर्वोच्च न्यायालय में, ऐसी पहली महिला है। और वहीं बात करें हम न्यायाधीश फतिमा बेबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं। तो यह ऐसी महिला बन गई हैं, ऐसी वकील बन गई हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है पहली। भारत की पहली औद्योगिक सौर माइक्रोग्रिड को चालू करने की घोषणा कहाँ की गई है? तो यह गुजरात शहर के बड़ौदरा में की गई है। और स्वेडेस स्वच्छ बहुराष्ट्रीय कंपनी ABB ने गुजरात में खोलने की इसकी घोषणा की है। इसका प्रमुख लाभ होगा कुल परिचालन लागत और बिजली के बिलों में कमी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर ने नई पीढ़ी की ब्लड प्रूफ जैकेट का नाम क्या रखा गया है? तो यह जो भारतीय सेना के लिए बनाई गई है उसका नाम रखा है भाभा कवच रखा गया है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए नई पीढ़ी की ब्लड प्रूफ जैकेट विकसित करने की है, जो बोरॉन कार्बाइड और कार्बन नैनोट्यूब पॉलीमर के मिश्रण से बनी हुई है। PM मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक शिखर वार्ता चीन के किस शहर में आयोजित हुई? तो यह हुई वुहान शहर में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी 2 दिवसीय चीन यात्रा 28 अप्रैल 2018 पर गए हुए हैं। और यांगत्जी नदी के किनारे वुहान में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, कई विषयों पर चर्चा हुई। और डोलमाल विवाद के बाद जो है वो पहली बार मोदी PM मोदी जो है वो चीन में गए, चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। 27वां सरस्वती सम्मान 2017 के लिए किसे देने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है सीतांशु यश चंद्र को देने की घोषणा की गई है। 27 अप्रैल 2018 को गुजरात के प्रमुख कवि नाटककार एवं विद्वान सीतांशु यश चंद्र को 27वां सरस्वती सम्मान 2017 दिया गया है। इनकी कविता बखार के लिए दिया गया है। और पुरस्कार में 15 लाख रुपये कर राशि, एक ताम पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। सीतांशु यश चंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1987 में भी मिल चुका है। तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 27वीं शीतकालीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए जाएंगे? तो यह 2019 में 9 से 25 फरवरी को है जो आयोजित किए जाएंगे। और यह प्रथम अवसर है कि दक्षिण कोरिया के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ है। इनका आयोजन दक्षिण कोरिया के शहर पेओंग जेंग में किया जाएगा। 23वीं शीतकालीन ओलंपिक खेलों में कुल 15 खेलों के 102 आयोजन होंगे। कौन से प्रदेश में वैज्ञानिकों ने फेजरवायर गो एमची नामक मेंढक की एक नई प्रजाति की पहचान की है? तो यह पहचान की है गोवा के प्रदेश में की है। और नई प्रजाति का नाम है गोवा राज्य के ऐतिहासिक नाम पर रखा गया है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? जी हाँ, अभी हाल ही में
जो पुरस्कार दिया गया है वो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी पुरस्कार 2018 सीएसआईआर को दिया गया है। पेटेंट और व्यावसायीकरण के लिए शीर्ष आर एंड संस्थान संगठन श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। बात करें हम करंट अफेयर्स वन लाइनर फैक्ट्री, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है, श्री सतीश रेड्डी जी हैं। और अमेरिकी सेनेट द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो माइक पोम्पियो की नियुक्ति की गई है, जो अभी हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री भी बनाए गए हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 26 अप्रैल को मनाया जाता है। श्री प्रिया रंगनाथन किस देश में राजदूत नियुक्त की गई हैं, तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया की गई हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन हैं, तो मून जे इन हैं। दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का, जो उत्तर कोरिया में परमाणु परीक्षण करता था, उसने कहा है कि हम नहीं करेंगे, तो उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग, वो अभी दक्षिण कोरिया की यात्रा पर गए हुए थे। दोस्तों तो दोस्तों हमने 28 अप्रैल 2018 का डे बाय डे करंट अफेयर सेशन देखा। यदि आप हमारे करियर डेस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। हम अगला वीडियो 29 अप्रैल 2018 का डे बाय डे करंट अफेयर सेशन लेके आएंगे। दोस्तों हमारे यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।